ससुर कौशिक की पांच बहुएं। वही मैं सोच रही थी कि कुछ हंगामा होना चाहिए, तो चलो हो जाए फोटोग्राफ्स नए नए जोड़ों के साथ में। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, सबसे पहले दूल्हा दुल्हन। बैठिए ना, बैठो बैठो, आज पाओ क्या करो। बलाजी, कुछ ना कुछ देख करना ही पड़ेगा, कोई नहीं तो वाकई पर्दाफाश हो जाएगा। और भाई सब दिखाओ तो, और कौन सा कैमरा है, एक मिनट दिखाइए तो। अरे वाह वाह, अच्छा कैमरा है जी, है? मेरे को भी बचपन से शौक था। सर आपने मेरा कैमरा तोड़ दिया। ओ ऐसा करो आप, सॉरी है ना, इसके पैसे ले लो ना आप। अजी अंकल जी, कैसी बातें करते हैं आप। अजी भाई साहब का कैमरा तोड़ दिया आपने। लो भाई साहब, अजी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अजी बिट्टू जी के पास भी एक कैमरा, अजी ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी वाला डिजिटल तो नहीं है, पर रील वाला बड़े अच्छे फोटो खींचता है। अजी मेरी और निमी देवी जी की काफी यादें हैं, उसमें लेके आता हूँ। देखा मेरे बिट्टू जी कितने इंटेलिजेंट है। ऊंट की कसम आने दो उसको। अजी हाइड हाइड हाइड, अजी ये रहा बिट्टू। हाँ वाजी वाह, अजी भाई गाड़ की कसम ये रहा वो कैमरा, कैमरा वाले भाई साहब। अजी आ जाओ इससे खींचो। ओ भाई साहब, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है ना, ब्यूटीफुल अंग्रेजी में। आप साइड होइए ना, मुझे फोटो लेने दीजिए प्लीज। ओ फोटो गई पाड़ में भाई साहब, उसकी फोटो तो सबकी आंखों में बस गई है, प्रिंटिंग इन द आईज अंग्रेजी में। बस गई है आंटी जी, बिल्कुल बस गई है, लेकिन सबकी आंखों में नहीं, सिर्फ राधे भैया की आंखों में। बाकी सबके लिए तो फोटो में बसाना पड़ेगा ना, आप आइए और इन्हें फोटो लेने दीजिए। जरूरी है, इम्पोर्टेंट अंग्रेजी में। हाँ हाँ बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। आहो किरण बल्ला जी, ओ बहुत जरूरी हैगा है। जरा देख लो भाई साहब, ये तो प्रिविलेज मेरा होना चाहिए। ओए बेटी की सगाई का मौका हैगा है, ओए इस यादगार मौके पर कुड़ी का प्यो ही कुड़ी के खानदान की फोटो खींचेगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। चलेगा। तो मैं ही खींचूंगा मैं। लवली तुम भी इधर आ, फोटो खिंचवा। कार्तिक सर लेके आओ। लवली व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो, चलो फोटो खिंचवा लो। कार्तिक कार्तिक मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। अरे लवली जो भी बात करनी है ना बाद में करना, आप भी चलो। नहीं 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 कार्तिक। अरे लवली चलो। कार्तिक तुमसे। अरे भल्ला साहब आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आप भी आइए ना, आप भी तो फैमिली में हैं और फैमिली का फोटोग्राफ है ना, आइए आइए। वीर जी आप क्या कर रहे हैं वीर जी? अरे कभी समधियों को ना किया जाता है कभी नहीं। अरे प्रजाई तुसी भी इधर आओ इधर। संधियों को कभी ना नहीं किया जाता है, वो लड़के वाले वो तो बुरा मान जाएंगे, है ना? आप बुरा मानेंगे ना? हाँ हाँ बुरा लगेगा ना भाई साहब, आइए ना। हाँ ओके आप जाइए जाइए। अरे जाइए, मैं खींच लेवांगी। हे राम, नहीं प्रजाई तुसी दोनों जाओ जाओ। मैं सबको एक्सपोज करूंगी। ओके एवरीबॉडी चीज स्माइल। एक सेकेंड ना, फोटोग्राफर आइए, मेरी भी फोटोग्राफ लीजिए, ये लीजिए, कम ऑन स्माइल। रेडी ये
कैसे हो सकता है? सब लोग शीशे में दिख रहे थे पर वो लोग शीशे में नहीं दिख रहे थे। वो लोग हैं कौन? कहीं वो लोग नहीं, हे भगवान, सोच कर मैं तो पागल हो जाऊंगी। भोले बाबा, मुझे आज तक कभी इतना डर नहीं लगा है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे सबको बताना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं सबको बता देती हूँ। हम सच कह रहे हैं बहन जी, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। सब तारीफ कर रहे थे थारे हाथ के बड़े खाने की। ओ जी अम्मा जी, बहन जी, ये तो कुछ भी नहीं। हुण देखो मेहंदी ते संगीत में मैंने क्या क्या पकवान बनाने, व्हाट डिशेस अंग्रेजी में। अच्छा, तो क्या क्या पकवान बनाने वाली आप? टेल नो अंग्रेजी में। सुनो, एंग्री यंग मैन दा ओए, और रिश्ते विच ते असी तेरे प्यो लगते हैं और नाम है का मैं क्या करूं? ऊपर आंटी जी है, यहाँ अंकल जी, अब इनके सामने सबको कैसे बताऊं मैं क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। लकी और गुड़िया से कह के कार्तिक को साइड में बुला लेती हूँ। एटलीस्ट उसे तो बता ही देती हूँ। पकड़ लिया। अब एक काम करते हैं। अब मैं भागती हूँ और तुम लोग मुझे पकड़ो, ठीक है? अभी नहीं, रुको। 1, 2, 3 गुड़िया, वो क्या हुआ लवली? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो भाभी क्या बताओ ना, क्या बात है सर? आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अरे आप बुजुर्ग है, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे मैं बुजुर्ग हूँ, आप बुजुर्ग है। अरे ये लोग अभी तक जागे हुए हैं, कब सोएंगे कब उठेंगे? कल ढेर सारा काम है, मेहंदी है, संगीत है। पहले इन्हें चल के कहते हैं कि जल्दी सो जाए, ठीक है? बाद में तुम्हारी बात सुन लेंगे। आप, ये बहुत जरूरी काम है। बाबू साहब, आप लोग अभी तक जागे हुए हैं, जल्दी सो जाइए ना, नहीं तो आपके सारे सुपुत्र कल देरी से उठेंगे और हमारे सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ भाई, बहुरानी ठीक कहती हैं। देर से सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे तो काम खराब हो जाएंगे। और मैं भी डायलॉग बोल के थक गया हूँ, नींद आ गई है। चलो भाई, चलिए भैया, चलो। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, भूल ही गए, बोलो क्या काम है भाभी? वो कोमिला है ना? कोमिला क्या हुआ? वो भाभी को जल्दी आना। लो, अब इन्हें क्या चाहिए, हम जाकर देखते हैं, फिर आकर तुम्हारी बात भी सुनते हैं। अभी आए भाभी, एक बार सुनते तो जाइए। हमारे घर में भूत है, भूत। मेरा ख्याल है तुम सबसे कुछ कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो। जाओ जाके बोलो तुम कि हमारे घर में भूत है। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो, जो दिल में बात होती है ना वो ज़बान पे आ जानी चाहिए, वरना ये मुझे धमका क्यों रही है? इतना फुटेज मत खाओ, जाओ और बोलो। हाँ मैं कहूंगी, तुम मुझसे दूर रहो। मैं बोलती हूँ, ठीक है? मैं बोलती हूँ। क्या कमाल है यार, मैं कब से बोल रही हूँ उसको जाके बोल, फिर भी बोल नहीं पा रही। डफर, ऐसा लगता है इसने अपने मुंह पे ताला लगा दिया है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जैसे इसे देखती हूँ किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं कार्तिक को, हाँ कार्तिक को बता देती हूँ मैं। कार्तिक,
कार्तिक जल्दी उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लवली क्या कर रही हो, सोने दो ना। बाद में सो लेना ना कार्तिक, प्लीज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लवली जो भी बात करनी है सुबह को करना। कार्तिक सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी। प्लीज कार्तिक, प्लीज 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 उठो ना प्लीज। मुझे पता है जो कुछ भी तुम्हें कहना है वो बात किए बिना तुम मुझे सोने नहीं दोगी, बताओ। वो कार्तिक देखो, मैं तुमसे जो अभी कहने वाली हूँ ना, वो सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। यस, आप ये सब कुछ बोल देगी। कोमिला का जो परिवार है ना, वो तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। हाँ, नहीं उड़ाओगे ना? नहीं उड़ाऊंगा। तो वो मैं ये कहने वाली थी कि कोमिला का जो बोलो लवली, क्या बोलना है? वो अच्छा है। स्टूपिड इडियट, उनकी तारीफ कर रही है टफर। अरे इतना डर क्यों रही है? एक्चुअली ना, इसको दिखाना पड़ेगा असली भूत होते क्या है। अच्छा है? हाँ अच्छा है। तुम्हें पसंद है? हाँ। तो मैंने कब कहा बुरा है? ये बोलने के लिए कोई आधी रात को उठाता है? नहीं नहीं, तुम सो जाओ। तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सो जाओ तुम। संगीत अभी तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ओह गॉड, मैं क्या? ओए क्यों होया? ओए ठंड रहा, ठंड। मैं ही हूँ। सॉरी सॉरी भाभी। तेनु क्या लगा? कोई भूत छूत आ गया तेनु डराने वास्ते इतनी सवेरे सवेरे? भूत नहीं, कोई नहीं। गर्ल सुन, मैं तुझे ये बताने आई थी कि ना सगाई की फोटो शूट आ गई है, चल आजा नीचे हॉल में देखने वास्ते। हां, जो लोग शीशे में नजर नहीं आते वो फोटो में भी नहीं देख सकते। तो फिर मैं चल के देखती हूँ। प्लीज आप जल्दी फोटोग्राफ्स खोलिए ना, मैं तो मर ही जा रही हूँ फोटोग्राफ्स देखने के लिए। अरे खोल रहे हैं भाई, हमें भी तो देखनी है तस्वीरें। इतना बड़ा छूट,
हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो कहा था कि आप फोटोजेनिक नहीं, लेकिन आप तो इतनी अच्छी लग रही हैं इस तस्वीर में। देखिए 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 देखिए, आप भी देखिए भाई साहब। भाई साहब, ओए वाकई में मैं तो बड़ा ही हैंडसम लग रहा हैगा हूँ। अरे भाई साहब कमाल है, क्या जोड़ी है आप दोनों की। ओ जी वेखाओ। लो जी वेखो। हाय हाय मैं मर जावा कि मैं आई है फोटोग्राफ। हमारी डोमना भी बड़ी सुंदर लग रही है, वेख ले बिल्लो तू भी बड़ी सुंदर लग रही है। राधे को मिला कितनी सुंदर लग रही, दोनों जोड़ी जच रही है दोनों की। और यही सोच रही है ना बिल्लो रानी तू कि ये चमत्कार किस तरह हो गया है। मैं भी तेरा वड्डा वीर। ले एक तो उस कमबख्त ने मेरा कैमरा भी तोड़ दिया और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। मेरी मदद कीजिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। आप तो सब जानते हैं, प्लीज भोले बाबा मुझे बताइए कि वो लोग हैं कौन, भूत हैं, शैतान हैं, और वो लोग चाहते क्या हैं। बाबा अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज भोले बाबा प्लीज मेरी मदद कर। मुझे रास्ता दिखा दिया, थैंक यू। ओए सॉरी जी, मैं तो नहीं बैठा नहीं, वो है ना मैं फोटो देखने जा रही थी। कैसी आई है फोटो? अच्छी अच्छी मार जी, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है फोटो देखने की। हाँ वो पाँच बहू